नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालें। उससे पहले जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर्व से थोड़ा ज़्यादा निकल गई है। ज़्यादा हमेशा मैंने कहा है, शास्त्र कहता है कि जब जब आपकी सूर्य के पहले पर्व तक उंगली ज़्यादा रहेगी सही, तो आप अपने सही निर्णय को लेकर के ज़्यादा तरक्की उन्नति प्राप्त करेंगे। यदि उंगली इस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और ज़्यादा जाती है, तो वो जानी जाती है अच्छी यारदास्त के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो अपने जीवन के अंदर अपने गुणों को, अपने गुणों के द्वारा व्यक्ति की पहचान भी कराती है, जब उंगली इस तरह की थोड़ी सी बड़ी हुई हो। यानी कुल मिलाकर के ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं, ज़्यादा घटना अच्छा नहीं, तो कुल मिलाकर यहाँ अपने आप में आपके पास ये आपकी उंगली है जिसने आपके जीवन में आपकी वाणी से आपको नियंत्रण में रख कर के आपको सम्मान दिलाया होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी इस सूर्य उंगली की, सूर्य की उंगली, और यहाँ पर ये कट लग रहे हैं इस तरीके के, ये वर्तमान में लगे हुए हैं और ये बीच का गैप। जब इस प्रकार का बीच गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, या पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। इस तरीके का इंडिकेशंस अधिकतर इन दिशाओं को बताते हैं। साथ ही साथ पहला पर्व मानसिक सूर्य पर्व पर लगा हुआ जब कट होता है, तो ये जिस समय आपके ये जा रही है, तो इस समय आकर के आपको मानसिक रूप से अगर आप कहें तो बीपी जैसे रोगों को प्रदान करता है। तो थोड़ा सा इस बात पर, साथ ही साथ सूर्य का ये पहला पर्व होता है तो आंखों के चश्मे वगैरह को चढ़ा देता है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपकी शनि की इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छी प्रकार से, एकदम सीध में तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का टेढ़ापन है और ऊपर से ये ऊपर ये कट-कट निशान भी है। यानी कि आपके जीवन के अंदर आर्थिक स्थितियों को शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि की महादशाएँ जब जब आएंगी तो ये आपको काफ़ी परेशान करेंगी आर्थिक रूप से, इस प्रकार को दर्शाने वाली, और जिसकी चिंताएँ आपके पास लगातार बनी रहेंगी। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पहले पर्व पर भी यही निशान आकर के मिला। यानी आपके तीन फ्लैंक्स के ऊपर ये निशान मिला। ईश्वर का मतलब ये हुआ, ये होता है मानसिक पर्व। तीनों जगह सूर्य के पर्व पर मानसिक पर्व, शनि के पर्व पर आर्थिक दृष्टि से मानसिक पर्व, और बृहस्पति होता है अच्छी लग्जीरियस जीवन के लिए। यानी जीवन में जो लग्जीरियसता है उसको पाने के लिए व्यक्ति तरसता रह जाता है जब इस प्रकार के जो है कट विराजमान होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ बृहस्पति की उंगली का बिल्कुल शनि के साथ चिपक जाना इस बात को बताता है कि बुद्धिशैली तो आपकी सीख है, अच्छे भले लोगों के अंदर बैठते हैं, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्ति की बनी रहती है। चलिए ये आपकी उंगलियों का फल था। अब मैं बताने वाला हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व यहाँ अनुकूल पर्व के स्थान रूप में बुध पर्व बना हुआ है। अनुकूल पर्व क्या होता है? अनुकूल पर्व होता है व्यक्ति को स्थिति कुछ भी है, अपने खाने पीने के साधन के, जीवन यापन के लिए धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। तो ये तो ही इस प्रकार की बात। और साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर संतान के सुख सहयोग की, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। यह आपका बुध पर्व यहाँ पर बताता हुआ। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व ये बहुत बेहतरीन सा ट्रायंगल नीचे से बन कर के गया और ऊपर जा कर के ये दिशा से भ्रमित हो गया, यानी कि यहाँ से भ्रमित हो गया। ये तो बात पक्की हो गई कि यदि आप अपने जीवन के यौवन अवस्था में यदि आप प्रयास करते तो निश्चित रूप से आप सरकारी उपक्रम से जुड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जब ये ट्रायंगल यहाँ बच्चा बना हुआ है तो ये बात को बताता है कि व्यक्ति की आस्था, व्यक्ति का सम्मान, ये ट्रायंगल व्यक्ति का सम्मान बचाता है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये होती है। साथ ही साथ राज्य सरकार से यदि व्यक्ति लोन लेता है, कोई सहयोग लेता है, तो
तो वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर सूर्य का पर्व जो आपका सम्मान बचाने में समर्थ है। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यहाँ पर थोड़ा सा तपका हल्का सा दबा हुआ है और इस पर कोई वो रेखाएं नहीं मिली जिसके लिए जो रेखाएं मुझे इस उम्र में ज़रूर चाहिए थी। यानी मैं 65 की एज में जब देखता हूँ तो ये सम पर्व है और सम पर्व कहीं से भी ऐसा नहीं दिखला रहा कि आपके जीवन में आपके पास अब कोई आमदनी का बहुत अच्छा साधन बनने वाला है। मैंने कहा जीवन यापन भर के लिए आपको धन के आगमन बने रहेंगे, लेकिन वो रेखाएं जिससे मैं कहता कि आप करोड़ों रुपए में खेलते आपका लग्जरियस जीवन होता, वो यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो सम है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ईश्वर के प्रति आस्था ही रखना सबसे कुछ होता है। ऐसा भी कुछ नहीं कि 9 महीने में यहाँ पे बहुत बड़ी खड़ी रेखाएं बन जाएं, ऐसा भी मैंने कितने ही हाथों में देखा है। वर्तमान का हाथ में बोल रहा हूँ। आइए यहाँ बात कर लेता हूँ। यहाँ पर बना हुआ ये एक्स जो जहाँ सूर्य पर्व से बता रहा था, यहाँ पर एक्स पर्व ने यहाँ भी बताया कि यदि आपने युवावस्था के अंदर प्रयास किया होगा तो आपको सरकारी उपक्रमों से जुड़ करके लाभ मिले होंगे। तो ये यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ कुल मिलाकर अगर कहूँ तो आपके जीवन के अंदर आप निश्चित रूप से या तो पैतृक रूप से भी मकान और कभी कभी ऐसा व्यक्ति स्वयं की मेहनत से भी व्यक्ति जो है अपने आप का मकान बनाता है। एक्स का चिन्ह का मतलब एक और भी होता है, ये गुरु का पर्वत है और गुरु के पर्वत पर एक्स का मतलब होता है जबरदस्त साधना, जबरदस्त ईश्वर भक्ति, मंदिर का पुजारी बन जाना, ग्रंथों का याद हो जाना, अच्छी भाषा शैली से लोगों का कल्याण करना। ये बहुत बढ़िया चिन्ह मिला सूर्य पर्व पर और आपका ये गुरु पर्व पर और सूर्य पर्व पर वो त्रिभुज का चिन्ह। तो एक सवाल था आपका, आध्यात्म में रुचि आगे उन्नति है। निश्चित रूप से मैं 101% कह सकता हूँ कि आप इस मार्ग को बिल्कुल आप सही रूप से जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपको यश सम्मान बहुत ऊंचे दर्जे का मिलने वाला है। तो ये आध्यात्म में रुचि नहीं है, आपकी ईश्वर के प्रति पूरी आस्था है और जो आपको जीवन के सब सुख संपन्नता दिलवाने के लिए आतुर है। तो इसमें तो आप जाओगे ही, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। बात करते हैं हृदय रेखा की। ये हृदय रेखा और यहाँ से जाकर के आयु के जिस पड़ाव पर हम हृदय रेखा को देखते हैं वहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी हृदय रेखा आपके साथ है। भगवान की कृपा से कोई बड़े रोग का संकेत यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से अपनी आराधना में जुड़े रहिए। आपके लिए ईश्वर ने रास्ता चुन दिया है, आप इससे यश और उन्नति प्राप्त करने वाले। तो चलिए ये सब हो गया, अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। पहले मैं मंगल पर्वत के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। आज भी ईश्वर कृपा से मंगल रेखाएँ आपके पास मौजूद हैं। ये साहसिक रेखाएँ होती हैं व्यक्ति के अंदर। जब ये रेखाएँ जब तक बनी रहती हैं व्यक्ति में साहस बना रहता है, हिम्मत बनी रहती है। तो आपके पास ये आज भी मौजूद हैं। तो ईश्वर कृपा से आपके पास में ये आस्था के चिन्ह जो है ये, और साथ ही साथ ये नीचे को जाती हुई रेखा, इसको बोलते हैं मंगल रेखा, यानी कि इसको संजीवनी रेखा बोलता हूँ। ये भी हिम्मत को प्रदान करने वाली रेखा आपके पास मौजूद है। बात कर लेते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो चंद्र पर्वत यहाँ पर आपका अनुकूल है। चंद्र पर्वत का अनुकूल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रोगों से बचाने के लिए। चंद्र पर्वत गहरे जल में जाकर आदमी को डर नहीं लगता, साथ ही साथ मानसिक रूप से बहुत ज़बरदस्त मजबूती की यदि बात करता हूँ तो आपके पास मानसिक मजबूती बहुत ज़बरदस्त है। आप अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से शांति प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसी रेखा। अब मैं बात करता पर्वत और अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये देखिए बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा यहाँ जाकर के ज़्यादा ढलवा हो गई है। ज़्यादा ढलवा बुद्धि रेखा क्या करती है? ज़्यादा ढलवा बुद्धि रेखा जो है मन का अच्छा व्यक्ति होता है और थोड़ी सी अगर कहें तो कुछ कल्पनाओं में भी जीता है। तो यहाँ अगर मैं इसका अगर यहाँ कोई बुरा फल की बात नहीं कर रहा, कुल मिलाकर के अपने मन के अंदर थोड़ी सी आप ये समझ लीजिए कि कुछ मन में चंचलता है, कुछ मन के अंदर बेचैनी है। चंचलता नहीं, बेचैनी कह सकते हैं, और वो बेचैनी सिर्फ हो सकती है केवल और केवल आपके कर्ज की वजह से। तो चलिए ये भी कुल मिलाकर अच्छी रेखा आपके पास मौजूद है।
अब मैं बात करूंगा आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर के सम पर्व है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपके मन के अंदर बची हुई हैं, तो ठीक है, ईश्वर कृपा से आपको कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं और आप ईश्वर में लीन होकर के अपने आप को शांत भी कर सकते हैं। केतु स्थान जाना जाता है विशेष साधना के लिए। यहाँ विशेष साधना से केतु का संबंध जब बनता है, मेरा काम तो साधना का आपके ऊपर के सूर्य पर्व से उससे हो चुका, क्योंकि यहाँ केतु का जब संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। सन्यासी का योग नहीं, आपका लोक कल्याण से संबंध होकर के ईश्वर के प्रति उसके कामों के लिए ऊपर वाले चिन्हों से मेरा काम हो गया है। तो आप कोई सन्यासी वाला काम नहीं करने वाले हैं, आप कोई तंत्र मंत्र विद्या, केतु का स्थान का के संबंध होगा तो केतु का भी संबंध होगा, केतु का संबंध होना तो केतु में तंत्र मंत्र का, तो वो भी आपके हाथ के अंदर में नहीं है। तंत्र मंत्र में नहीं, आप ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने आपका ये भी बता दिया। अब आपका आयु बताता हूँ, उसके बाद मैं आपका एक आध सवाल फिर लूँगा। पहले आयु रेखा देखिए, यहाँ आयु रेखा और भगवान की कृपा से आयु रेखा आपके पास में अभी 78 ईयर्स की आपके पास में बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो इसके बारे में ये ईश्वर का विधान है, मैं ज़्यादा इसके विलंबता पेश नहीं करता हूँ। आइए बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके इन रेखाओं के बाद में। अब जो आप चल रहे हैं या आपके जीवन की रेखाएं पिछली चली गई, पिछले जीवन में भी आपको बहुत संघर्ष रहा है, कभी धन की ऐसी मुझे स्थिति नहीं नज़र आ रही हाथ में कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन आपके पास मौजूद रहा हो। बात कर रहा हूँ वर्तमान के, आपने कहा कर्ज के जाल से मुक्ति कब, जिसके पास ये हाथ के अंदर बृहस्पति का एक्स होता है और जिसके पास सूर्य का ये सम्मान वाला त्रिभुज होता है, वो व्यक्ति कर्ज में नहीं मरता। इसका मतलब निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक सवाल है, वहाँ अभी जहाँ मैंने एक बड़ी रेखा ये खड़ी करी है इस तरह की, जिस दिन गहरी रेखा आपके हाथ के अंदर ये बन रही है तो ये बनेगी जरूर। तो मैं समझता हूँ इसमें अभी आपको जीवन के कम से कम 3 से 4 साल और आपको कर्ज मुक्ति में उतारने में लग जाएंगे। तो ये आपकी हाथ के अंदर सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा मैंने, जो भी विशेषता थी वह भी मैंने आपको बताई। आप ने कहा है कि गुरु मंत्र आप के रोज़ाना आप जाप करते हैं, हनुमान जी के मंत्रों की माला का आप जाप कर लेते हैं, और जब आप कलयुग की बात करते हैं और हनुमान जी की जो सिद्धि कर लेता है, हनुमान जी की सिद्धि जो कर लेता है तो राम जी तो उसके पास स्वयं ही पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कुछ आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता कि मैं कोई ज़्यादा आपका के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक ईश्वरीय हाथ है, इसमें आप अपने अध्यात्म में रुचि बनाए रखें, ईश्वर सब रास्ते आपके लिए खोल के रखेगा और हनुमान जी की जो भी अष्ट सिद्धि जो भी आप करते हैं वो आप करते रहिए, वही आपके लिए अनुकूल है, कोई रत्न की ज़रूरत नहीं है आपको, वही आपको बस इस जीवन में आपकी प्रेरणा, आपको प्रेरणा दे करके आपको आगे बढ़ाएगी, आपके जीवन के सभी सुखों को आपको संपन्नता दिलाएगी। नमस्कार।